गोरखपुर विश्वविद्यालय के परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को द्वितीय सेमेस्टर में परिणत करते हुए तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश दिए जाने व प्री पीएचडी के छात्र छात्राओं को परिणत व पंजीकरण न होने से 1500 से अधिक शोधार्थियों के भविष्य पर नजर आ रहे खतरे को देखने के संबंध में छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में छात्रों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के समक्ष में प्रदर्शन किया तथा मुख्य नियंता को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर उस पर कार्रवाई की जाने की मांग की। इस संबंध में छात्र नेता मनीष ओझा ने बताया कि 20 अगस्त तक मांगे पूरा करने का आश्वासन मिला है, अगर उस तिथि तक मांगे पूरा नहीं हुई तो छात्र आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता मनीष ओझा ने कहा। मनीष ओझा, छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय। आज हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी को 11 तारीख को हम लोग ज्ञापन सौंपे थे। उसमें ज्ञापन सौंपा गया था, कुलपति जी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि आप लोग की मांग हम परीक्षा नियंत्रक महोदय के सामने रखेंगे, जिसकी सूचना मैं आपको 2 दिन बाद दूंगा और आप 2 दिन बाद आइएगा, हमसे वार्तालाप होगी। लेकिन आज जाने के बाद, आज 6वें दिन जाने के बाद पता ये चला कि हमारे कुलपति जी शहर से बाहर हैं। आज हम लोग उनके कार्यालय के बाहर धरना करने को विवश हुए। हमारे 2 दर्जन छात्र भाई वहाँ उपस्थित थी, जिसमें आधा दर्जन छात्राएं भी उपस्थित थीं, जिसको देखते हुए इस कोरोना काल में विषम परिस्थिति जो देश के साथ चल रही है, लेकिन तब पर भी हमारे जो छात्र जो परेशानियों से जूझ रहे हैं धरना देने को विवश हुए। और वहाँ के प्रशासन द्वारा हमें आश्वस्त किया गया, चीफ प्रॉक्टर द्वारा आश्वस्त किया गया कि 20 तारीख को पुनः आप लोग को कुलपति जी और परीक्षा नियंत्रक के सम्मुख पेश किया जाएगा, आप लोग की वार्तालाप होगी और उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा वो छात्रहित में ही होगा, हमारी ये उम्मीद है। और अगर वो छात्रहित में इनका निष्कर्ष नहीं निकलता है तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने को भी बाध्य होंगे।